ये बताइए हमारे पढ़े लिखे मैं क्या बताऊँ यार बहुत बढ़िया मूवी ठीक है ठीक ठाक थी अच्छी मूवी है कैसी थी अच्छी थी कैसी थी बहुत अच्छी मूवी है लाल सिंह चड्ढा और कार्तिकेय 2 में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी देखिए ऑब्वियसली कार्तिकेय 2 लाख गुना बेहतर है लाल सिंह चड्ढा से अगर आप कंपेयर करें दोनों फिल्मों को एज अ इंडिविजुअल फिल्म्स भी अगर आप कंपेयर करें हम वो सोचते हैं कि वो रीमेक है हॉलीवुड की गजब की फिल्म की रीमेक है या इसलिए बिगाड़ दिया ऐसी सारी चीज़ों को हटा दें और सिर्फ एज अ इंडिविजुअल दोनों फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो लाल सिंह चड्ढा से कहीं गुना बेहतर है कार्तिकेय 2 अब किस तरह से वो मैं बताता हूँ आपको एक्टिंग वाइज सभी की एक्टिंग अच्छी इसमें लीड एक्टर आमिर खान ने बहुत ही बुरी एक्टिंग करी है वो नहीं कर पाया उस कैरेक्टर को सच है ये उनके पास उनकी लिमिटेड रेंज है वो उस रेंज के बाहर का एक कैरेक्टर है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी वो फिल्म बहुत ज़्यादा इसलिए उन्होंने उस फिल्म को बनाया लेकिन उतना बेहतर एग्जीक्यूशन फिल्म का भी नहीं है और उनका एक्टिंग में भी नहीं है ठीक है टॉम हैंक्स वो नहीं बन सकते खैर अब जाते कार्तिकेय 2 पे तो सभी एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है निखिल सिद्धार्थ की एक्टिंग बहुत अच्छी है अनुपमा की एक्टिंग अच्छी है अनुपम खेर का कैमियो फिल्म में उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया लगभग सभी एक्टर्स का काम बहुत बढ़िया कोई बड़ा हीरो नहीं है उसके बावजूद भी लोग उस फिल्म को देखने जा रहे हैं आमिर खान और अक्षय कुमार दोनों की फिल्मों को छोड़ के कोई नहीं देख रहा हिंदी की ऑडियंस को देखिए दोनों की फिल्में नहीं देख रहा है और उनकी जा रहा है साउथ की तो बात ही छोड़ दीजिए साउथ में तो कमा नहीं सकते बॉलीवुड एक्टर तो उसके अलावा आप बात करें तो VFX शॉट्स भी जो है फिल्म के बहुत बढ़िया लिए हैं सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनाया कार्तिकेय 2 को इतने बढ़िया VFX सीन्स लिए यहाँ VFX का इस्तेमाल किया गया लाल सिंह में जवान दिखाने के लिए वो डी एजिंग करी गई है आमिर खान की करीना कपूर की कि यंग लगे ताकि ये ज़बरदस्ती 40-50 साल के पचपन साल के वो हो रहे हैं आमिर खान साहब ठीक है 41 साल की करीना है और उनको ना 18-18 साल का दिखाने की कोशिश शाहरुख खान को 17-18 की एज का दिखाया गया है जो कैमियो है उनका इन चीज़ों में VFX का इस्तेमाल किया गया जहाँ नेचुरल ज़रूरत है वहाँ नहीं किया गया ठीक है बेवजह की चीज़ों में किया गया कोई कम उम्र का दिखाना है इनको दूसरी बात लाल सिंह चड्ढा की सिनेमेटोग्राफी वाकई में अच्छी है इसमें कोई दोरा नहीं है लाल सिंह चड्ढा का म्यूजिक बहुत बढ़िया दिया है प्रीतम ने अनबिलीवेबल म्यूजिक दिया सबसे पॉजिटिव चीज़ उस फिल्म में उस फिल्म का म्यूजिक ही है ठीक है अब आ जाते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है कार्तिकेय 2 का भी मज़ा आ जाएगा आपको बेहतरीन BGM में थिएटरिकल मज़ा देगा बिल्कुल ओवरऑल एक हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाती है और चीज़ें बताती है क्या सच्चाई है क्या नहीं जिस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं बॉलीवुड वाले उस चीज़ों के अगेंस्ट बहुत बढ़िया ढंग से बनाया गया है लाल सिंह चड्ढा में ये सारी चीज़ें बहुत ही खराब है फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत लूज है सभी एक्टर्स की एक्टिंग खराब है बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है फिल्म का म्यूजिक अच्छा है लेकिन मैंने नोटिस ये भी किया कि हर ऑडियंस म्यूजिक से कनेक्ट नहीं हो पा रही है मेरे साथ जिन लोगों ने फिल्म देखी लाल सिंह चड्ढा उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कुछ भी लेकिन पर्सनली मैं जानता हूँ कि म्यूजिक उस फिल्म का अच्छा म्यूजिक उस फिल्म में बढ़िया है लेकिन उसके बल पर आप पूरी फिल्म को नहीं झेल सकते 3 घंटे इसलिए मैं ऑडियंस को रिकमेंड करूँगा फिल्म कार्तिकेय 2 जाकर देखें बजाय रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा दोनों के ही